कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि बिल को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बार बार अपील की जा रही है कि MSP को खत्म नहीं किया जाएगा, और लेकिन कुछ लोग MSP को लेकर किसानों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा किसानों में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि MSP को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और किसानों की जमीन को पूंजीपति कब्जा कर लेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पहले की तरह MSP पर खरीदारी की जाएगी और अधिक मात्रा में की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि बिल में केवल फसलों को लेकर कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन को बंधक नहीं रखना होगा, केवल फसलों को लेकर ही कानून है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों से वार्ता की। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से वार्ता की, लेकिन बात नहीं बनी और किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं और धरना दे रहे हैं, जो कि उचित नहीं है और देश में हित में नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात की अपील किया है कि जो किसानों के बीच में गफलत कुछ लोगों के द्वारा पैदा की जा रही है कि MSP समाप्त कर दी जाएगी या जमीन जो है वो बंधक हो जाएगी या वो पूंजीपति कब्जा कर लेगा। उन्होंने दो बातें बहुत साफ तौर पर कही हैं कि MSP जैसे पहले खरीदी जाती थी उसी तरीके से MSP पर खरीदारी की जाएगी और अधिक मात्रा में की जाएगी। दूसरी बात ये कहा गया है कि उस कानून के भीतर सिर्फ फसलों के संविदा का है, जमीन का कहीं पर भी बंधक और रेहन रखने की बात नहीं है। संविदा होगी फसलों के बारे में और वो किस तरीके का फसल हो, कौन से प्रजाति लगाई जाए, इसका होगा। तो यह जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं उसके बावजूद भी भारत सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से ये प्रयास किए कि वो किसानों के साथ जो वहाँ पर किसान नेता के रूप में बैठे हुए लोग हैं उनके साथ संवाद किया जाए, उन लोगों से बुला करके बातचीत भी किया, 6 चक्रों की बातचीत हो गई। दुर्भाग्य है कि वो हठधर्मिता पर हैं और लोकतंत्र के भीतर संवाद ही एक रास्ता है जिसके माध्यम से समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। भारत सरकार ने बार बार, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी और कृषि मंत्री जी ने भी ये कहा है कि जो आपके ठोस सकारात्मक सुझाव होंगे भारत सरकार जो है वो बहुत सकारात्मक ढंग से विचार करेगी, बावजूद उसके वो वहाँ पर धरना देना, मैं समझता हूँ कि ये देश हित में नहीं है और ये उचित नहीं है।